हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं देखिए बहुत ही खूबसूरत सा स्वेटर की डिजाइन लेकर आई हूँ। इस डिजाइन से कार्डिगन बना सकते हैं, कोटी बना सकते हैं, शॉल बना सकते हैं। लेडीज जेंट्स किसी भी स्वेटर पर निकाल सकते हैं। इस डिजाइन को बच्चों के स्वेटर पर बनाइए। बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है ये, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आज मैं इसी डिजाइन को आप सभी के साथ शेयर करूंगी। वीडियो पूरा देखिएगा ताकि समझ में आए कि कैसे बना हुआ है। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करती हूँ इस डिजाइन को बताना। देखिए ये, देखिए ये पहला फंदा है तो हम इसको इसी तरह ले लेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक दो दो फंदा सीधा। अब हम यहाँ पर दो को एक करेंगे। ये देखिए धागा अपने तरफ, ये फंदा देते हुए ये देखिए यहाँ पर दो को एक करेंगे, धागा पीछे रखेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर क्या करेंगे, धागा पीछे रखेंगे और ये देखिए ऊपर से इसको हम इस तरह जाली देंगे। एक दो तीन चार पाँच, ये पांच फंदा उल्टा बुनेंगे। अब यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर धागा अपने तरफ रखेंगे और दो को एक करेंगे, जाली देते हुए दो को एक करेंगे। फिर देखिए एक दो तीन, तीन फंदा सीधा बुनेंगे। फिर देखिए इसको अब यहाँ पर फिर दो को एक करेंगे और फिर देखिए ये इस तरह जाली देंगे। उल्टा बुनना है तो हम ऊपर से इस तरह जाली देंगे ऐसे करके। एक दो तीन चार पाँच, पाँच फंदा उल्टा। अब फिर यहाँ पर क्या करेंगे, दो को एक करेंगे, ये जाली देते हुए दो को एक कर दिए। अब दो फंदा सीधा बुनेंगे, एक दो, दो फंदा सीधा हो गया। ये लास्ट का फंदा है तो इसको भी सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे। अब उल्टे तरफ से देखिए, उल्टा तरफ से पूरा रो उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है इस तरह से। और ये उल्टा फंदा में जाली दिए थे इसको हम सिलाई, इसमें हम क्या करेंगे, सिलाई को यहां से नहीं डालेंगे, हम नीचे से सिलाई को डालेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से फिर नीचे से डालेंगे। ये उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट हो गया। अब सीधे की तरफ से देखिए, सीधे की तरफ से यहां पर एक फंदा आप सीधा बुनेंगे और फिर दो को एक करेंगे इस तरह से, दो को एक कर दिए। अब फिर धागा पीछे रखेंगे और यहां पर देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात, दूसरा लाइन में दूसरा रो सीधे की तरफ से ये उल्टा वाला सात बुनेंगे। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, दो को एक करेंगे फंदा देते हुए और बीच में एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा सीधा आ गया। अब फिर यहाँ पर भी हम दो को एक करेंगे और फिर यहाँ पर देखिए जाली देते हुए एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात फंदा उल्टा। फिर अब यहाँ पर जाली देते हुए दो को एक करेंगे इस तरह से और एक फंदा सीधा बुनेंगे। ये लास्ट का फंदा है तो इसको भी सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे। अब उल्टे की तरफ से पूरा रो उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए अब सीधे की तरफ से ये तीसरा लाइन है तो तीसरा लाइन में देखिए इसको हम इस तरह तीसरा रो, तीसरा रो में अब यहाँ पर हम दो को एक करेंगे और फिर हम यहाँ पर जाली देंगे एक एक दो तीन
चार पाँच छः सात आठ नौ। तीसरा रो में नौ फंदा हम उल्टा बुनेंगे। और फिर यहाँ पर देखिए, अब क्या करेंगे, धागा अपने तरफ रखेंगे और तीन को एक करेंगे। इन तीन फंदा को लेकर एक कर दिए यहाँ पर। और फिर इस फंदा में हम इस तरह जाली देंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, नौ फंदा उल्टा। अब फिर देखिए यहाँ पर दो को एक करेंगे ये जाली देते हुए, ये लास्ट का फंदा है तो इसको सीधा सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे। अब उल्टे तरफ से पूरा रो हम उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। अब देखिए ये चौथा रो है सीधे की तरफ से। अब चौथा रो में हम इस तरह बनाएंगे यहाँ पर, एक दो तीन, तीन फंदा उल्टा। अब यहाँ पर दो को एक करेंगे जाली देते हुए इस तरह से। फिर देखिए, एक दो तीन, तीन फंदा सीधा। और फिर हम दो को एक करेंगे, ये दो को एक कर दिए। और यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम जाली देते हुए एक दो तीन चार पाँच, पाँच फंदा बुनेंगे। ये जाली हो गया, एक दो तीन चार पाँच, पाँच फंदा बुन लिए। अब फिर देखिए, अब फिर यहाँ पर जाली देते हुए दो को एक करेंगे इस तरह से। और एक दो तीन, तीन फंदा बीच में सीधा बुनेंगे। और फिर यहाँ पर दो को एक करेंगे, फिर इस फंदा में हम जाली देंगे, एक दो तीन, तीन फंदा उल्टा, ये लास्ट का फंदा है तो इसको सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे। अब उल्टे तरफ से देखिए, उल्टे तरफ से पूरा रो उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। अब देखिए ये उल्टे की तरफ से उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट हो गया। अब सीधे की तरफ से देखिए रो, ये पांच, पांच रो में, पांचवा रो में देखिए, फिर एक दो, दो फंदा उल्टा, सॉरी यहां पर दो फंदा उल्टा नहीं बुनेंगे, ये देखिए एक दो तीन चार, चार फंदा उल्टा। अब फिर यहां पर हम दो को एक करेंगे ये जाली देते हुए इस तरह से, बीच में एक फंदा सीधा बुनेंगे। और फिर यहाँ पर हम दो को एक करेंगे। और फिर देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात फंदा उल्टा। फिर यहाँ पर हम दो को एक करेंगे जाली देते हुए इस तरह से, और एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर देखिए, दो को एक करना है यहाँ पर, और फिर जाली देते हुए इसको बुनेंगे, एक दो तीन चार, चार फंदा उल्टा, धागा पीछे, ये लास्ट का फंदा है तो इसको सीधा बुन के कंप्लीट कर लेंगे। अब उल्टे की तरफ से फिर हम पूरा रो उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये उल्टे की तरफ से कंप्लीट हो गया। अब सीधे की तरफ से रो छः, रो छः में देखिए क्या करेंगे हम फिर। अब यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच, पाँच फंदा उल्टा। अब यहाँ पर तीन को लेकर हम एक करेंगे, इन तीन फंदा को लेकर जाली देते हुए एक करेंगे इस तरह से। और फिर देखिए इसको, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ फंदा उल्टा। और फिर यहाँ पर हम तीन को एक करेंगे जाली देते हुए इस तरह से। और फिर देखिए, एक दो तीन चार पाँच, पाँच फंदा उल्टा, और ये लास्ट का फंदा है तो इसको सीधा बुन के कंप्लीट कर लिए। अब फिर उल्टे की तरफ से पूरा रो उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये डिजाइन कंप्लीट हो गया। अब इस चीज को हम यहाँ पर निकालेंगे और इसको
यहां पर निकालेंगे, इसको यहां पर निकालेंगे, इसी तरह ये बनेगा, बन के कंप्लीट हो गया। देखिए बन के इस तरह दिखेगा ये, ये देखिए। इस डिजाइन से आप जैसे कि शॉल बना सकते हैं, कैप पर निकाल सकते हैं, स्वेटर पर, कार्डिगन पर, किसी भी प्रोजेक्ट पर बहुत आसानी से डाल सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ आप सबको जरूर पसंद आया होगा ये डिजाइन, तो इसको लाइक कीजिए। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप सभी को ये कैसा लगा डिजाइन। और स्वस्थ रहें, खुश रहें, फिर मिलती हूँ मैं कुछ नई डिजाइन लेकर आप सभी के साथ।